हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एल टी इलेक्ट्रिकल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करना सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास इंडक्शन मोटर है। इसमें फ्रेंड्स दो कॉइल होता है, फ्रेंड्स एक स्टार्टिंग एक रनिंग। तो फ्रेंड्स से ये जो दो सेम कलर है फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग है और ये फ्रेंड जो दो ब्लैक कलर के वायर है जो ये रनिंग है। फ्रेंड्स, अगर कोई कन्फ्यूजन हो फ्रेंड्स, हम इसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम ये मल्टीमीटर की सहायता से स्टार्टिंग और रनिंग का पता करेंगे इसमें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना करें, नहीं तो कोई भी मिसिंग पार्ट होगा फ्रेंड्स तो आपको समझ में नहीं आएगा। मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए एक, अब ये फ्रेंड्स हम चेक करेंगे क्वाइल। ये देखिए फ्रेंड्स, 47.6 ओम। सेकंड क्वाइल चेक करेंगे, 34.4 ओम। फ्रेंड्स, ये हमारा स्टार्टिंग होगा और ये फ्रेंड्स हमारा रनिंग क्वाइल होगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये पहचान लिया ये स्टार्टिंग और रनिंग का। अब फ्रेंड्स, हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, इंडक्शन मोटर फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर का भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। ये कैपेसिटर का, ये फ्रेंड्स हमारे पास ये 10 mFT का कैपेसिटर है। फ्रेंड्स, हम इसका जो कनेक्शन है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में करेंगे, मोटर को धक्का लगाने के लिए यूज किया जाता है इसका। फ्रेंड्स देखते हैं, और एक फ्रेंड्स स्टार्टिंग और रनिंग को फ्रेंड्स कॉमन कर दिया जाता है, एक एक सिरा। ये देखिए फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स एक सिरा जो बचेगा फ्रेंड्स, उसमें कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कैपेसिटर जोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें सप्लाई का वायर जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये लीड है ये सप्लाई का। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लीड सप्लाई लीड जोड़ेंगे इसके अंदर। और एक फ्रेंड्स कैपेसिटर के उसमें टच करेंगे फ्रेंड्स एक। अब फ्रेंड्स, हम इसको मोटर को रन करके देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम इस प्लग को सॉकेट में लगाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सॉकेट में ये लगा दिया ये। अब फ्रेंड्स, हम इसको ऑन करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा पकड़ के रखता हूँ फ्रेंड्स ये। ये देखिए फ्रेंड्स, मूवमेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं ये। फ्रेंड्स, आपको ये मोटर का रोटेशन देखने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये देसी जुगाड़ लगाया है फ्रेंड्स ये, ताकि आपको देख सके कि मोटर रनिंग कर रहा है। फ्रेंड्स, ऑन करते हैं स्विच। ये देखिए फ्रेंड्स, मोटर रन कर रहा है ये। ये फ्रंट फ्रेंड्स अभी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है फ्रेंड्स। अब इसको फ्रेंड्स हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके लिए हम जो कंडेंसर का वायर है फ्रेंड्स, उसको चेंज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये वायर चेंज कर रहे हैं ये डायरेक्शन को करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंडेंसर का वायर हमने अटैच कर दिया ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, और ये हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे अब।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा भी ये रोटेशन जो है फ्रेंड्स वो चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम स्विच को ऑन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज के वीडियो हमने सीखा फ्रेंड्स सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करना फ्रेंड। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो में कोई अगर समझ में नहीं आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे फ्रेंड्स मुझे पता लगे क्या दिक्कत है नहीं है। तो ऊपर फ्रेंड्स फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।